नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आया है। और इस वीडियो में हम लोग जो है आपके साथ कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू निकाली गई है, कैसे आप ये अटेंड करेंगे, कब ये वॉक इन इंटरव्यू होगी, इससे रिलेटेड चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। पहली जो नोटिफिकेशन है वो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल सेक्टर 25 चंडीगढ़ की तरफ से निकाली गई है। 14 अक्टूबर की ये नोटिफिकेशन रहेगी, जिसमें कि इनकी तरफ से एक वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस निकाला गया है। ये वॉक इन इंटरव्यू का जो नोटिस है दोस्तों, ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए निकाला गया है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होने जा रही है। स्टार्ट सैलरी की बात करें तो उनको 59 प्लस ग्रेड पे 2000 प्लस डीए जो है इनको दिया जाएगा। इनिशियली जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो 1 ईयर के लिए की जा रही है, एक्सटेंडेबल भी है, ये 1 ईयर से आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 89 डेज होने के बाद जो है इनको 1 दिन की ब्रेक जो है उसके बाद दी जाएगी। उसके बाद इसको जब तक इनकी रिक्वायरमेंट है तब तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और या फिर जब तक जो है रेगुलर रिक्रूटमेंट इस डिपार्टमेंट में नहीं हो जाती, इस हॉस्पिटल में नहीं हो जाती, तब तक जो है इनको रखा जाएगा। इसका मतलब ये जो है दोस्तों टेम्परेरी बेसिस पे भर्ती होने जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास +2 साइंस में आप पास होने चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्निक में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 37 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए। और वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू जो है 27 अक्टूबर को 2 से 5 बजे के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा इन्हीं के इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में जब आप वॉक इन इंटरव्यू में अगर अटेंड करना चाहते हैं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में जो है वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर लेके जाएं, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्कॉपी होगी जो आपकी जितनी भी एकेडमिक एक्सपीरियंस या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, उसको भी ज़रूर साथ में लेके जाएं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है तो NOC सर्टिफिकेट लेके जाएं, फ्रेशर है लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है कोई तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस भी आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ भी साथ में आप इंटरव्यू में ज़रूर लेके जाएं। किसी प्रकार के जो है सेपरेट इंटरव्यू लेटर नहीं दिए जाएगी। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको 27 अक्टूबर में जो है इनके इंस्टीट्यूशन में जो है इंटरव्यू अटेंड करना होगा। अगला जो इंटरव्यू है वो इनके ही इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है एक और वॉक इन इंटरव्यू निकाला गया है। ये वॉक इन इंटरव्यू जो है दोस्तों, 2 पोस्टें जो है नर्स की निकाली गई है इसमें, और इसके लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है वो 10-300 प्लस 4800 ग्रेड पे दिया जाएगा, प्लस साथ में डीए दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है नर्सिंग के पोस्ट के लिए। और इसको जो है इनिशियली 89 डे के लिए रखा जा रहा है, बाद में इनको 1 दिन की ब्रेक देके फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, जब तक किसी इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट्स है या फिर जब तक जो है इनके पास रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू कोई नया नर्सिंग का कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर जाता। तो इसमें जो है सैलरी रखी गई है, सॉरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई आपकी BSc नर्सिंग, और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन जो होनी है वो नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ होनी ज़रूरी है। अगर आप हिमाचल से या पंजाब से या हरियाणा से किसी भी स्टेट से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्टेट की किसी की बाउंडेशन इसमें नहीं रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 37 से कम आयु के व्यक्ति जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 रहेगी। इसकी इंटरव्यू जो है 27 अक्टूबर को ही कंडक्ट होगी, लेकिन टाइमिंग जो है 9 से 1 बजे रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने होंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी होगी अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की, फ्रेशर एक्सपीरियंस, सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अपना स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, अगर आप एम्प्लॉयर है तो NOC सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। TA DA आपको किसी प्रकार का इसमें भी नहीं दिया जाएगा। अब तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। तीसरा अपडेट जो है दोस्तों, ये PGI के डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी के थ्रू निकला है, जिसमें कि जूनियर नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 35 साल के कम व्यक्ति पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग हो तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 रहेगी, और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आज ही की है, यानी कि 18 अक्टूबर जो है इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में बता दें तो अप्लाई जो है आपको सिंपली अपना बायोडाटा थ्रू ईमेल करना होगा 18 अक्टूबर से पहले पहले,
और सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही आगे सीवी को देखते हुए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट करे जाएंगे, सिर्फ 5 कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको आगे इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा। उनको जो इंटरव्यू की तिथि है वो मेल के थ्रू या टेलीफोनिकली बताया जाएगी। तो जो आप रिज्यूम सेंड करेंगे उसमें अपना मेल एड्रेस या व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जरूर डालें। मेल जो है आपको इनकी बताएगी मेल आईडी पे करनी होगी, जो कि है hepatology.mpk@gmail.com। तो मेल का एड्रेस इनकी तरफ से थोड़ा ये नोटिफिकेशन क्लियर नहीं बताया गया है। अगर आपकी मेल सेंड ना हो तो आप इनके बताए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर से इनका मेल एड्रेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के जॉब अपडेट थे। ऐसे जॉब अपडेट्स हम लोग डेली आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।